मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। श्री गणेश देवताय नमः। ओम से कुल देवताय नमः। ओम से गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से आज मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथियां हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभा सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगन का सुनाने जा रहा हूं, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों आज तारीख 25 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है, शाम 5:30 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों शनिवार है। नक्षत्र दोस्तों अश्विनी नक्षत्र है। दोपहर 2:56 के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वरियान योग है। कल सुबह 3:52 के बाद परिक योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण। शाम 5:23 के बाद गरज करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:36 के बाद वनिजकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निर्गमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:53 पर होगा और निर्गमन शाम 5:58 पर होगा। दोस्तों दोस्तों इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे। दोस्तों, हर ओम शिव शिव शंभुराधे, प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे, श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, मेरो दक्षिण दिग्भागे। महाराष्ट्र देश व्यापार का चंद्रमा, शालिवान शक 1945, प्रभावादि षष्ठी सहस्रवन, शोभन नाम सत्सर, दक्षिण शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, शनिवार वास, अश्विनी नक्षत्र, वरियान युगे तैतिल करने, प्रदोष शुभ तिथो, वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा, मोह पात दलित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करेशी एवं इष्टलिंग पूजा करेशी। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो दोपहर 2:56 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर
नया संकल्प तैयार करें और अपना जो विधि है वो विधि का उल्लेख उस संकल्प में करें दोस्तों, और अपना विधि शुरू करें, तभी जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है वो संपन्न होगी और भगवान तक पहुंचेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन सुख शांति से भरा होगा दोस्तों। दोस्तों मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस तरह दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 25, 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 25, 27, 29 दिसंबर, तारीख 1, 2 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 7 और 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 25, 29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल इस प्रकार है। जनेऊ संस्कार के लिए अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों, माघ मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाए। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त नहीं है दोस्तों, अगले मास में शायद आपको मिल सकते हैं। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मार्गशीर्ष मास में मुहूर्त रहेंगे दोस्तों, इस मास में कोई मुहूर्त नहीं। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है, कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने नाम क्षमा करें, अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, नाम के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने भ्रांति के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों संकल्प के साथ अमला वृक्ष के तले या मध्य रात में भगवान विष्णु का पूजन हमें बेलपत्र अर्पण करके करना है दोस्तों, उनके 108 नाम लेकर अर्पित करें, या अगर हो सकता है आपको तो विष्णु सहस्र नाम के द्वारा 1,000 बेलपत्र आप अर्पण कर सकते हैं भगवान विष्णु, रात मध्य रात निश्चित काल, और जैसे ही सूरज उगेगा अरुणोदय जिसे हम बोलते हैं, भगवान शिवलिंग की पूजा हमें तुलसी पत्र से करना, उसी समय हमको 108 नाम का उच्चारण करना है, या 1,008 का भी आप कर सकते हैं अगर तुलसी पत्र आपके पास है तो। इस प्रकार ये भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन है दोस्तों, जो साल में एक बार होता है दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप जो रेगुलर जो होम यज्ञ आपका है वही कर सकते हैं, नया नहीं।
राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो कृपा करके आप और कोई समय में अपने काम को पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा अर्चना होती है वो भगवान तक जल्दी पहुंचती है, संबंधित भगवान तक, और वही देवता हमें अपने कर्मकांड के फल देते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मों का के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं दोस्तों, हम ये होते हैं हमारे जीवन के जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद ही रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।